गुप्ता जी का फोन आ गया, इनको भी देना है, क्या बोलूँ अभी। हाँ गुप्ता जी, गुड मॉर्निंग। हाँ कैसे हैं आप? अरे सारी इस महीने पैसे का बहुत तकलीफ है, इसलिए नहीं दे पाया। हाँ हाँ गुप्ता जी, थोड़ी प्रॉब्लम है, दे देंगे, अरे टेंशन मत लो। हाँ ये लो टिफिन, आज भी कड़ी चावल बनाया है। 3 दिन से बोल रही हूँ राशन खत्म है, पैसे दे दो, तो सुना ही नहीं देता। बेटी को ना बराबर रात को पिज्जा ऑर्डर कर देते हैं चुपके से। अरे भाई एक ही तो बेटी, उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा, क्या बच्चे हैं। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। मम्मा को गुड मॉर्निंग नहीं बोलोगी? नहीं, मैं मम्मी से बात नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि मम्मी मुझे चिल्लाई थी पिज्जा ऑर्डर करने के लिए। मतलब कोई ऐसा करता है क्या? अब पिज्जा ना खाऊं मैं? नहीं नहीं, चिल्लाओ मम्मी को। क्यों डांटा आपने भाई मेरी बेटी को? आपने हमेशा उसी की तरफदारी करते हो। अरे नहीं, मेरी बेटी कितनी प्यारी है। प्यारी हूँ ना मैं पापा। तो पापा मुझे ना 2000 रुपए दो ना, मैं और अनुष्का ना मूवी देखने जा रहे हैं, उसके बाद शॉपिंग भी करेंगे। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, अभी रात को भी तुमने पैसे खर्च किए थे। पापा देखो मम्मी ऐसा बोल रही है। नहीं नहीं भाई, यही तो मेरी बेटी की उम्र है, अभी नहीं एंजॉय करेगी तो कब करेगी? भाई आप ना उसको बिगाड़ रहे हो। अरे ठीक है, लो बेटा ये सब दे दो, थैंक यू पापा मम्मा। इसकी आदत खराब कर रहे हो। अरे ठीक है यार, इतना चलो मैं ऑफिस जाता हूँ, ठीक है। रही गया। हाँ क्या हुआ? ये लाइट बिल वाला आया था, अभी देके गया, बोला अगर नहीं भरोगे ना तो शाम तक काट देगा। आयु दिन रात एसी चला के रखी रहती है, इस बार बिल भी बहुत ज्यादा आया है। ठीक है, करता हूँ कुछ। चलो बाय। शॉपिंग करके तो मजा आ गया। हाँ बहुत मजा आया, मूवी मस्त थी। हाँ बहुत मजा आई थी मूवी, और पता है शॉपिंग करने में और ज्यादा मजा आया। हाँ ना। और ब्रो मेरे को देखो कुछ दिखाना है। क्या दिखा? देख पापा ने मेरे को क्या गिफ्ट किया। इट्स दी एयरपॉड प्रो लेटेस्ट मॉडल ऑफ दी एयरपॉड, वॉइस कैंसिलिंग भी है, और पता है इसमें ट्रांसपेरेंसी मोड है, बहुत कूल है, स्पेशल ऑडियो भी। वाह यार, लेकिन तेरे डैड ने अचानक तुझे एयरपॉड्स प्रो क्यों गिफ्ट कर दिया? अरे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, यू नो, मैंने इनके लिए सैलेड कट किया, टू कट ऑल दोस वेजिटेबल्स एंड उसमें नमक भी डालना पड़ा, इट्स ऑल टू मेहनत का काम। और पापा ने देख के अप्रिशिएट किया, एंड ऑब्वियसली ही अप्रिशिएटेड मी विद गिफ्टिंग दिस। सैलेड बनाने के लिए तुझे एयरपॉड्स प्रो मिल गया? हाँ। ये देख के तो यार मेरा भी मन कर रहा है, मुझे भी एयरपॉड्स प्रो चाहिए। तो तू भी अपने पापा के लिए सैलेड बना दे। नहीं, मेरे डैड ना मुझसे इतना प्यार करते हैं, वो मेरी हर डिमांड पूरी कर देते हैं। मैं उनको बोलूँगी आज मुझे एयरपॉड्स प्रो चाहिए, कल मिल भी जाएगा। तो एकदम सही है, तू भी एयरपॉड्स प्रो मांग ले, फिर हम दोनों एयरपॉड्स प्रो के साथ ट्विनिंग करेंगे, और फिर उसके लिए कवर लेंगे एयरपॉड्स प्रो का, बेस्टीज कवर। हाँ चल, कल ना मैं आऊँगी और तेरे को ना मेरे हाथ में एयरपॉड्स प्रो मिलेगा। ओके आई सी, कल मिलना चाहिए। ओके या ओके, चल बाय ब्रो। बाय। मेरे प्यारे पापा। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही हो, कुछ तो डिमांड होगी। अरे डिमांड मतलब क्या, ऐसा थोड़ी कि जब कुछ डिमांड होती तभी मैं मेरे पापा से प्यार से बात करूंगी। मैं आपसे नॉर्मली भी तो इतना प्यार करती हूँ, इसलिए तो आई हूँ मैं। बेटा मैं तुम्हें जानता हूँ, कोई न कोई डिमांड तो होगी जरूर। अच्छा ठीक है, और इतना पूछे रहे हो, मतलब इतना बोल रहे हो आप ना, तो बता ही देती हूँ, मुझे एयरपॉड्स प्रो चाहिए। एयरपोर्ट मुंबई एयरपोर्ट ले लो, दे देता हूँ तुझे। अरे नहीं पापा। हाँ। एयरपोर्ट्स वो जो आता है ना कान में जाते, प्रो के नॉर्मल नहीं, एयरपोर्ट्स प्रो चाहिए। बेटा क्यों चाहिए, अभी तो तुझे लास्ट महीने ही दिया था ना, अभी क्या जरूरत है? वो जो आपने हेडफोन्स दिया था वो तो लास्ट में दिया था, वो एक महीना पुराना हो गया। 2000 से सस्ता सा एयरपॉड्स वो हेडफोन्स थे मेरे को, वो नहीं, मुझे नया चाहिए। नया क्यों चाहिए तुझे बेटा? अरे क्योंकि वो अनु के पास भी है, उसने मुझे दिखाया था कितना कूल है वो, ट्रांसपेरेंसी मोड सब मुझे चाहिए। मैंने उसको कार में कल लाके दिखाऊंगी मेरे पापा। बेटा अभी मेरे पास बजट नहीं है। तो बजट बनाओ ना पापा। अरे लेकिन अभी नहीं है तो कैसे बनाओ? नहीं तो क्या मुझे एयरपॉड्स प्रो? अरे बेटा समझो ना, अभी नहीं है बेटा। अभी नहीं मतलब क्या? मुझे पापा आज की आज चाहिए, ठीक है? मुझे कल जाके अनु को दिखाना। मैंने अनु को बोला था कि पापा मेरी हर बात पूरी करते, मैं उनको दूंगी कल, मैं उसको दिखाऊंगी कल। कैसे दिखाऊंगी मैं? बेटा समझो। अभी क्या समझू मैं? अपने वो 2000 के सस्ते एयरपॉड, वो जो आपने 2000 के वो पिछले महीने देते वो हेडफोन्स दिखाऊं मैं कल? मेरे दोस्त क्या समझेंगे, सब मजाक उड़ाएंगे, सबके पास एयरपॉड्स है मेरे पास नहीं है। नहीं पापा ऐसा नहीं चलेगा, मैं आपसे जिंदगी भर के लिए बात नहीं करूंगी, देख लो आप। नहीं बात करोगी? बिल्कुल बात नहीं करूंगी मैं, ऐसा थोड़ी चलता है। आप मेरी कोई डिमांड पूरी नहीं करते हो। ये तो वर्स्ट टाइम एवर, आई हेट यू। अरे आयु क्या हुआ? फिर से कोई नई डिमांड लेके आई थी क्या? मैंने कहा ना आप उसको बिगाड़ के रख दिए हो। और ऊपर से कल स्कूल से भी फोन आया था कि अगर हम फीस नहीं भरे ना तो एग्जाम में भी नहीं बैठने देंगे। अरे टेंशन मत लो यार, सब हो जाएगा, आप खाना लगाओ जल्दी, ठीक है? चलो ठीक है, आ जाओ फ्रेश होके, मैं खाना लगा। ठीक। बाय बेटा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बाय नहीं करोगी मुझे? बेटा अभी तक नाराज हो क्या? बेटा छुओ मत ना मुझे आप। लेकिन मैं आपसे बात नहीं करी, छुओ मत मुझे, ठीक है? लेकिन बेटा मत छुओ ना मुझे, आप जाओ यहाँ से। हेलो पापा सुनो, अगर मुझे एक और बार कॉल किया तो आपको ब्लॉक कर दूंगी। आयु हेलो, एयरपोड्स प्रो अब तो तुम मेरे से बात करोगी ना? हाँ तो ये थैंक यू पापा, एयरपोड्स प्रो वाह। मैं ना अभी जाके अनु को दिखाती हूँ, मैं उसको दिखाऊंगी कि मैंने कहा था पापा को नहीं मेरे लेके आया यार। अरे एयरपोड्स प्रो का कवर की तो बात ही नहीं की, अनुष्का ने कहा था। अभी बोलती हूँ, ये एयरपोर्ट के पैसे कहाँ से आए आपके पास? अरे कर लिया इंतजाम मैंने। एक और लोन? पहले से ही इतने सारे लोन चल रहे हैं और अभी स्कूल की फीस भी भरनी, सबका पगार देना, लाइट बिल भी कल देखा आपने ना, लाइट बिल वाला आया था, नहीं तो कट जाएगा, पता है ना सब आपको। हाँ पता है बाबा, धीरे से बोलो नहीं तो सुन लेगी, फिर उसको दुख होगा। तुमको पता है ना मैं उसको दुखी नहीं देख सकता, चाहे उसके लिए मुझे थोड़ी तकलीफ ही क्यों ना झेलना पड़े। मुझे पता है आप अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हो, काश वो भी समझ पाती। सॉरी मम्मी पापा मुझे एयरपॉड्स प्रो नहीं चाहिए, आप ही ये रखो, इसे रिटर्न कर दो आप। मैं भी बड़ी हो गई, मुझे आपकी इन सब परेशानियों को समझना चाहिए, लेकिन बल्कि मैं सिर्फ जिद पे अड़ी थी। लेकिन मैं भी प्रॉमिस करती हूँ मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं आपकी हर परेशानियों को समझने की कोशिश करूँगी। थैंक यू बेटा, आई लव यू। लव यू टू पापा।